तो गाइस आज मैं फिर आ गया हूँ एक नया प्रोडक्ट लेके। ये कूलर है दोस्तों जो कि क्रॉम्पटन कंपनी की तरफ से आता है और इसका मॉडल नंबर है ऑप्टिमस 65। तो आज हम करेंगे इसका फुल रिव्यू, देखेंगे ये हमारे रिव्यू में खराब उतरता है या फिर नहीं उतरता, इसकी कैसी है क्वालिटी, कैसे आप इसे यूज़ करें और फाइनली आपको ये परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक कुछ हटके, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, पूरा ही यहाँ से ये कवर रहता है और यहाँ पे बाहर आपको सारी डिटेल मिल जाती है, इसका मॉडल नंबर और इसकी सारी फंक्शनलिटी सब कुछ लिखी हुई है। उसके बाद फटाफट इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो अनबॉक्स करने के बाद आप देख रहे हैं ये कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे ये पूरा पॉलिथीन से रैप होता है तो आपको सबसे पहले इसे ओपन करना पड़ेगा। तो सेफ्टी के मामले में तो इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। तो अनबॉक्स करने के बाद ये रहा हमारा कूलर दोस्तों, तो ये पूरा व्हाइट कलर में आता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं और कहीं कहीं यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश कलर मिल जाता है, तो देखने में ये कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। तो कूलर के साथ साथ यहाँ पे आपको एक बुकलेट मिलती है और यहाँ पे आपको आउटलेट कनेक्टर और ओवरफ्लो कनेक्टर भी मिलता है, बस इतनी चीज़ मिलती है आपको इस कूलर में। तो कर लेते हैं बात इसकी फंक्शनैलिटी की। तो यहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल मिल जाता है, एवरलास्ट पंप मिल जाता है, इजी एंड लार्ज क्लीन आइस चैम्बर मिल जाता है और यहाँ पे आपको प्रोलॉन्ग कूलिंग मिल जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है आइस चैम्बर, तो आइस चैम्बर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 5 व्हील्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5 व्हील्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, 4 व्हील्स इसमें लगती है और 1 व्हील्स आपके लिए एक्स्ट्रा, कभी टूट फूट जाए तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये भी बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पे साइड में दिखा दूं कि आपको कूलिंग पैड कैसे मिलता है। तो कूलिंग पैड आपको यहाँ पे हनीकॉम्ब वाला देखने को मिलता है, जो नॉर्मल कूलिंग पैड है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलते, तो ये भी अच्छी बात है क्योंकि हनीकॉम्ब वाला जो कूलिंग पैड है वो काफी अच्छा माना जाता है। और उसके बाद जैसा कि आपने यहाँ पे देखा आपको कूलिंग पैड के साथ साथ यहाँ पे आपको ये नेट भी मिल जाता है जो कि आपके कूलिंग पैड को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि यहाँ पे आपको डस्ट या फिर कोई भी इंसेक्ट मक्खी मच्छर यहाँ पे ये अंदर नहीं जा पाते, ये आपका जो नेट मिलता है ये सारी चीजों को प्रोटेक्ट करता है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है। तो नेट बस आप यहाँ पे आप ऊपर ड्रैग करके निकाल सकते हैं और यहाँ पे आप इसे वापस बंद कर सकते हैं, तो जब भी आपको नेट साफ करना हो आप यहाँ पे इसे निकाल के साफ करके वापस यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं पीछे बता दूं कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल का नॉब मिलता है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी आप यहाँ पे लो या हाई यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इसे ड्रेन मोड में भी सेट कर सकते हैं, तो ड्रेन मोड में जब सेट करेंगे तो जो आपका वाटर है वो यहाँ पे बाहर आने लगेगा, यानी कि सारा आपको वाटर निकालना हो तो आप बस ड्रेन मोड करके यहाँ पे आप वाटर निकाल सकते हैं, लेकिन ड्रेन मोड में जब भी आप करेंगे आपको पंप को ऑन रखना पड़ेगा, तभी वो पंप से पानी जो है आपका बाहर खींच के आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक वाटर इनलेट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ तो यहाँ पे आपको वाटर निकालने वाला होल मिल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं एक और ऑप्शन है, ये बेसिकली ओवरफ्लो का है, जब भी आपका वाटर ओवरफ्लो हो जाएगा तो इसमें से आपका ये पानी निकलने लगेगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सब बता रखा है कि आपको कैसे पंप की सफाई करनी है, तो सब आप यहाँ पे देख के कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होने वाली। तो उसके बाद बात कर लेते हैं इस वायर की, तो वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी कोटिंग और इसकी जो मोटाई है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे आपको जो सॉकेट है वो बेसिकली पावर सॉकेट नहीं मिलता, सिंपल सा नॉर्मल सॉकेट ही मिलता है और यहाँ पे जो वायर की लंबाई है वो 1.5 मीटर ही मिलती है, यानी कि 1.5 मीटर ही मिलती है, तो आई थिंक 2 मीटर होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी 1.5 मीटर काफ़ी सफिशियंट है आपकी यूज़ के लिए। तो उसके बाद बात कर लेते हैं फिट एंड फिनिश की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको बेसिकली थोड़ी सी गैप देखने को मिलेगा जब भी आप नेट यहाँ पे लगाएंगे, और जब भी आप यहाँ पे ऊपर से नीचे लगाएंगे थोड़ी सी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी तब जाके ये नेट लगेगा, और यहाँ पे आपको दबाने में भी ईजिली दब जाता है, तो लगता है कि हाँ थोड़ा सा काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन ठीक है एकदम कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस आपको फील थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा फिट एंड फिनिश और अच्छा होता तो और मज़ा आ जाता। तो उसके बाद बात कर लेते हैं ये फ्रंट पैनल की, फ्रंट पैनल में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एक पावर नॉब देखने को मिलता है पावर ऑन और ऑफ करने के लिए, और सेकंड जो नॉब होती है वो बेसिकली स्पीड की नॉब है, यहाँ पे आपको हाई लो मिड और ऑफ ये सारा ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आपका जो कूलर का स्पीड है फैन की स्पीड है वो बेसिकली उसके एडजस्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे। और थर्ड जो है आपका यहाँ पे फंक्शनल है, यहाँ पे देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, यहाँ पे आप पंप चला सकते हैं, पंप और स्विंग कर सकते हैं या फिर ओनली स्विंग कर सकते हैं, तो ये सारा ऑप्शन ये आप यहाँ से पैनल से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वाटर इंडिकेटर में देखने को मिलता है, यहाँ पे आपका कितना वाटर फिल हो गया कितना बचा ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम मीडियम और मैक्सिमम सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रंट में ग्रिल देखने को मिल जाती है, जिससे आप यहाँ पे बंद कर सकते हैं और इसे ओपन भी कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बंद करके रखें, और जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे ओपन कर लें, तो ओपन यहाँ पे दो पार्ट में हो जाता है, आधा ऊपर वाला आधा नीचे वाला, तो आप नीचे वाला या फिर ऊपर वाला जहाँ से हवा लेना चाहते हैं वो वाला पोर्शन ओपन कर लें। यहाँ पे आपको अंदर स्विंग वाला ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपका नॉब से कंट्रोल होता है, स्विंग लेफ्ट एंड राइट वाला, तो लेफ्ट एंड राइट ये बेसिकली नॉब से स्विंग होती है और आप देख सकते हैं इसे आप मैनुअल भी इधर उधर थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कूलर को मैंने उल्टा लिया और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे, यानी कि चार व्हील्स लगाने का यहाँ पे आपको होल मिल रहा है। तो यहाँ पे दो टाइप के व्हील्स आपको देखने को मिलते हैं, एक फ्रंट व्हील एक बैक व्हील। तो फ्रंट व्हील में आपका लॉक अनलॉक का ऑप्शन रहता है और बैक व्हील्स में आपको लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो लगाना बहुत ही आसान है, बस आपको ये अपने यहाँ पे जैसा होल देख रहे हैं बस वहाँ पे आपको यहाँ पे लगा के जोर से दबा देना है तो ये अंदर घुस जाएगा और ये सेट हो जाएगा। तो ये रहा इसका आइस चेंबर। आइस चेंबर आप देख सकते हैं, या तो आप वाटर आइस चेंबर से डायरेक्टली भर सकते हैं या फिर आप पीछे इनलेट वाले से भर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वाटर आइस चेंबर से डायरेक्ट भरने वाला हूँ, बस ऊपर से बाल्टी से यहाँ पे पानी डाल दूंगा तो नीचे धीरे धीरे चला जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे आइस डाल सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि पीछे से पानी कैसे निकालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा ऑप्शन है। यहाँ पे आप जैसे कि आप ये होल देख रहे हैं, इसकी बाहर वाली जो कैप है उसको आप निकाल लेंगे। निकाल के आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे इनलेट वाले ऑप्शन में लगा दिया है इस कैप को। बस आपको यहाँ पे एल शेप का जो सॉकेट मिला है वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो आप देख रहे हैं ये मेरा इजिली लग चुका है, ये बेसिकली होल थोड़ा सा बड़ा करने के बाद। उसके बाद आप यहाँ पे कैप वापस लगा सकते हैं ऊपर ताकि पानी ना निकले ऑटोमेटिक। और यहाँ पे जब भी आपको ड्रेन करना है बस आप ड्रेन वाला मोड ऑन करेंगे, यहाँ से कैप निकालेंगे तो यहाँ पे आपका बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी निकलने लगेगा। लेकिन पानी निकलने के लिए आपको पंप भी चलाना पड़ेगा। तो सामने से आप पंप चला दें इसका और उसके बाद ये सारा पानी धीरे धीरे करके यहाँ पे निकल जाएगा। तो सारा कुछ यहाँ पे मैंने सेट कर लिया। आप इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं, उसके बाद इसकी नॉइज़ देख लेते हैं, नॉइज़ लेवल कितना है इस फ़ैन का। तो फ़ैन की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पे फ़ैन हाई में काफ़ी अच्छा थ्रो आता है और यहाँ पे आवाज़ भी आप सुन सकते हैं कि आवाज़ कितना आता है। तो आवाज़ भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ये करेगा, ऑब्वियसली फ़ैन चलेगा हाई में तो ऑब्वियसली आवाज़ करेगा ही, और लो और मीडियम में इनकी आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाती है और फ़ैन की परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक ही रहती है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी पूरी फ़ैन की परफॉर्मेंस। कूलिंग भी यहाँ पे आपको सही से करता है। तो यहाँ पे इस कूलर ऑप्टिमस 65 में आपको टैंक की कैपेसिटी बेसिकली 65 लीटर की मिलती है, इसलिए इसका जो मॉडल नंबर है ऑप्टिमस 65 है। यहाँ पे इसके अलावा ऑप्टिमस 100 भी आता है जिसमें सब कुछ सेम रहता है लेकिन उसमें टैंक की कैपेसिटी 100 लीटर की रहती है। लेकिन मेरे हिसाब से 65 लीटर की टैंक की कैपेसिटी काफ़ी सही है। यहाँ पे आपका फुल अगर आप भर देंगे तो यहाँ पे दो दिन आपको परफेक्टली यहाँ पे ये निकाल देगा। तो इस प्रोडक्ट के बाय का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।